हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मारवाड़ी रीना किचन यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने बनाया है सरसों का साग। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सरसों का साग हेल्दी और पौष्टिक होता है। सर्दियों में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने यहाँ मेथी, पालक, बथुआ और सरसों इन सभी को धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। 200 ग्राम मैंने यहाँ सरसों ली है। इसके हमें डंठल को इस तरीके से रेशे निकाल के और यूज करना है। 100 ग्राम मैंने मेथी ली है और 100 ग्राम बथुआ और 100 ग्राम मैंने पालक ली है। अब हम साग को कट करते हैं। हमने यहाँ मेथी के डंठल है उनको हटा दिया है और पत्ते पत्ते यूज करेंगे। मेथी हमें 100 ग्राम यूज करनी है, ज़्यादा यूज नहीं करनी। ज़्यादा यूज करने से सब्जी में हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। मेथी हमने कट कर ली है। अब हम पालक कट करते हैं। तो पालक के हमने जो डंठल होते हैं उनको हटा दिया है और पत्ते पत्ते हम यहाँ यूज करेंगे। पालक को भी हम बीचों बीच से इस तरीके से कट करके एक लेयर में लाएंगे और इस तरीके से कट करेंगे। ना ज़्यादा बारीक कट करना है और ना ही ज़्यादा मोटा कट करना है। पालक हमने कट कर ली है। अब हम कट करेंगे बथुआ। कहीं कहीं पर इसे बाथू भी बोलते हैं। बथुआ सिर्फ सर्दियों में आता है। आप इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। अब हम सरसों कट करते हैं। सरसों को हम बीचों बीच से इस तरीके से कट करेंगे और फोल्ड करके हम एक लेवल में ला देंगे और इस तरीके से हम कट करेंगे। सरसों हमारी कट हो चुकी है। अब हम जो सरसों के डंठल आते हैं ना पीछे वाले, उनको भी छील कर थोड़ा सा इनके ऊपर जो रेशे से धागे से निकलते हैं उनको हटा लेंगे और यूज करेंगे। मेथी कट कर ली है, पालक, बथुआ और सरसों, सारा साग हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे लहसुन, मिर्ची और अदरक। लहसुन की मात्रा इस सब्जी में थोड़ी अधिक रखेंगे। गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। पानी जब गुनगुना हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ साग। ठंडे पानी में इसे ना डालें, पानी हल्का सा गुनगुना हो जाना चाहिए तब इसको ऐड करना है। सारा साग हमने पानी में ऐड कर दिया है। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो और आप चाहो तो इसे कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। पानी में जब एक बॉईल आ जाएगा तब हम इसको ढक देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इन सभी का हमने पेस्ट बना लिया है मिक्सर में। 2 छोटे चम्मच इनका पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे साग में। पानी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट तक पकने देंगे। सरसों के साग बना रहे हैं तो इसमें हम एक सीक्रेट तरीका यूज करेंगे, तो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा ले रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी में। इसमें बॉल्स नहीं बनने देंगे। इस सीक्रेट तरीके से आप साग बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसमें हम यहाँ ढक्कन हटा के इसे ऐड कर देंगे।
मक्के के आटा मिक्स करने से साग का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। आप यहाँ पर बेसन भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम मक्के का आटा यूज करेंगे तो उससे साग बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में वापस हम इसे 10 मिनट तक और पकाएंगे। हम यहाँ पर साग बना रहे हैं तो साग बनाते हैं तब टाइम तो लगता है। ये देखिए 10 मिनट बाद में साग हमारा एकदम थिक हो चुका है। यदि आपको साग यहाँ पर ज्यादा थिक लग रहा है तो आप हल्का सा गर्म पानी डाल के ऐड कर सकते हो और इसको हम इस तरीके से मैश कर देंगे। आप यहाँ पर मथनी से भी मैश कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ इसको इसी से मैश कर रही हूँ। 10 मिनट और पकाया है, उसके बाद में ये देखिए साग हमारा इतना थिक हो चुका है और एकदम घुट गया है। अब हम इसमें तड़का तैयार करते हैं। तो वापिस हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच राई और साथ ही में डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा और साथ में डालेंगे हम 1 मीडियम साइज का प्याज, हरी मिर्च और 1 टमाटर और साबुत लाल मिर्च। टमाटर पूरी तरह ऑप्शनल है। अब इसमें डाला है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। जो पेस्ट बनाया था ना हमने पहले ऐड किया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे। टमाटर पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन टमाटर का टेस्ट इसमें अच्छा आ जाता है। हम एकदम पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग बना रहे हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तड़का हमारा बन चुका है और टमाटर भी मैश हो रहे हैं, तो अब हम इसको डालेंगे जो हमने साग बनाया है उसमें। इस तरीके से आप तड़का बनाकर हरे साग में डालोगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसे हम वापस 5 मिनट और पकाएंगे। सरसों के साग बनाने में कम से कम 30 मिनट का समय लगता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकने देंगे। बन चुका है हमारा पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बनके तैयार हो चुका है। आइए हम सब्जी को सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी डेलिशियस साग बना है हमारा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप इसको आसानी से बना सकते हो। मैं यहाँ मक्के की रोटी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। मक्के की रोटी के साथ हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। सर्दियों में आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। ये विंटर स्पेशल साग है, हेल्दी और पौष्टिक है। बहुत ही कम समय में आसानी से बना सकते हो। साथ ही में हम यहाँ ले रहे हैं गुड़ और छाछ। हरे धनिए की चटनी ले रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। और ये देखिए डेलिशियस थाली हमारी लग चुकी है। आप इसको जरूर एंजॉय कीजिए। यदि आपको फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऊपर से हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी से सब्जी का जो साग का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।